तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से मेरे नए ब्लॉग में। तो आज फिर से वो माहौल आ गया है जो कि धुंध आ गया है, और इस माहौल में मुझे घूमना बहुत ही मज़ा आता है क्योंकि धुंध ही धुंध होता है। तो मैं अभी पहाड़ों में जाऊंगा, कुछ दिख भी नहीं रहा है, तो चलिए। वो देखिए जा रहे हैं हमारे। ये पेड़ दिख रहा है, वहीं पे जा रहा हूँ मैं। ये पेड़ पर बहुत चढ़ाव है, यहाँ पर यहाँ चढ़ने के लिए पैरों में दम चाहिए। अभी और ऊपर जाएंगे तो नीचे का कुछ भी नहीं दिखेगा। ये देखिए इतना धुंध हो गया है। इसीलिए मुझे बहुत मजा आता है ये धुंध जब होता है तो घूमने के लिए। जब धुंध आया था फर्स्ट बार हमारे बस्ती में, तब मैं गया था वीडियो बनाने हमारे चिकनी पत्थर पर। आप मेरी फर्स्ट वीडियो को देखोगे ना तो पता चल जाएगा, उसमें मैं भूत की वॉइस डाला हूँ और ऐसी ही डरावनी जगह टाइप से थी। ये देखिए यही डरावनी, बहुत डरावनी टाइप से लगता था। तो मैंने सोचा कि मेरा फर्स्ट वीडियो है उसमें कुछ भूत का वॉइस डाल देता हूँ, देखने में मज़ा आएगा, ठीक लग रहा है ना। वाह ये धुंध है। ओ हो, इधर तो कुछ भी नहीं दिख रहा भाई। हो नाइस, चलो और ऊपर चलते हैं। हो पेड़ पर पहुंच चुके हैं जो कि वहां से एक भी नहीं दिख रहा था। अब यहां से देखेंगे नीचे का नजरिया। ये एकदम थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, ये देखो इधर गया, वो देखो एकदम थोड़ा थोड़ा। ये देखो मैदान अपना मैदान, और ये रहा अपना जंगली इलाका जो कि काफी डरावनी टाइप से भी लग रहा है और काफी ठीक भी लग रहा है। हाँ भूत कोई है, देखो वहां पे कोई है, निकल निकल बाहर। चलो भाई मुझे भी डर लग रहा है, अब सुबह के 6 बज रहे हैं भाई। यहाँ से वहाँ पे मेरा घर है, वो इमली पेड़ दिख रहा है छोटा सा, यहीं पे मेरा घर है लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब चलते हैं हम लोग किथे इत्थे। अरे ये भूड़ू है जिसके अंदर से बहुत खतरनाक वाला खुखड़ी उगता है जो कि बहुत सालों से ये भूड़ू है, अभी तक नहीं मरा है। शायद से इसमें सांप वाप का बसेरा होता है। तो इधर से भी निकलते हैं। हो काफी भूतिया जगह तो लगती है भाई। तो इधर नहीं, मैं काम करता हूँ माड़ा ही चलते हैं, क्या बोलते हो? डर लगता है भाई, वो देखो ना कितनी खतरनाक डरावनी जगह है, मेरे को डर लगता है भाई। अब आ गए हैं तो आ गए, चलिए माड़ा ही चलते हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है भाई। ये देखो कुछ नहीं दिख रहा है, वो देखो छोटा सा घर, वो इतना धुंध है ना भाई कि आप लोग ना एक बंदे से दूसरे बंदे को भी देख नहीं पाएंगे। मैं दौड़ता हूँ,
बारिश भी होने वाली है शायद। अब ये देखिए पुटू, नहीं कुकड़ी कुकड़ी, जो कि सड़ गया। मुझे तो वही ना मिलेगा, अच्छे वाला को तो सबको ले जाते हैं। ऐसी जगह में अपने फ्रेंड के साथ आओ, अकेला कभी मत आना, वरना कुछ भी हो सकता है। काफी डरावना जगह है भाई। ओ भाई, नीचे बस्ती है, दिख नहीं रहा, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। चलिए ऊपर चलते हैं, टॉप माउंटेन में चढ़ेंगे हम लोग, एकदम टॉप वाले में। टॉप माउंटेन में पहुंच चुके हैं, अब दिखाता हूँ यहाँ का सुनहरा नजारा, जो कि बॉलीवुड में कहीं नहीं है। ठीक है, तो हवा भजल गए भाई, कुछ भी दिख नहीं रहा है। ये देखो, आ चुका हूँ मैं टॉप माउंटेन पे, क्या ही नजारा है। ये देखो, आपको नहीं दिख रहा है लेकिन मेरे को सब कुछ दिख रहा है, क्योंकि ये तो मोबाइल है, मेरा आँख DSLR है। खुफिया सुरंग, इधर से आप गिर जाएंगे ना तो आपका हड्डी भी नहीं बचेगा। काफी बड़े बड़े जानवर रहते हैं। मुझे अभी एक आवाज सुनाई दी और मुझे यहां से निकलना चाहिए, बाकी मैं ले लेता हूँ। ओ भाई, काफी खतरनाक जगह है भाई। आप लोग भी आ सकते हैं, सुनहरा मौसम, आनंद ले सकते हैं। वो है हमारा खेत, जो कि एक ठो नहीं दिख रहा, अभी दिखाता हूँ मैं जूम करके। ये है हमारा खेत, जो कि बहुत ही बड़ा जगह पे स्थित है, जो कि एक साल दो साल में वो पूरा खेत में घर बन जाएगा, जिस तरीके से यहाँ से बन गया। ये देखिए, ये घर बन चुका है खेतों में पूरी, उसी तरह से इन खेतों में भी एक दो साल में घर पूरा बन जाएगा और खेतों का नामो निशान मिल जाएगा हमारे जसपुर जिले से। अरे भाई, मैं तो मैन वर्सेस वाइल्ड बन गया। पहुंच चुका हूं अभी जस्ट, अभी हम लोग कहां गए थे उसको दिखाता हूं एक बार, झलक दिखला जा, पीछे एक और दिखा जा कैमरामैन।